हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर 1.2 पार्ट 2। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन पे दिया गया, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 2, ये सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 का वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 को सॉल्व किया था। पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, वाई? यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरीके से 3 सेट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, अगर इसमें से कौन से एम्प्टी सेट्स हैं एंड वाई, रीजन देना है हमें। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट सेट दैट इज ए इज इक्वल टू ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ये फर्स्ट ए सेट दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट ए इज इक्वल टू ए सच दैट ए इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर है, एक कैसा एलिमेंट है, ए इज ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो बट 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है दैट इज ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे 0 से छोटा नेचुरल नंबर कोई होगा नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एलिमेंट आएगा ये में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये एम्प्टी हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 0 भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 0 से छोटा हो। यहाँ पे ये एम्प्टी सेट होगा, ए इज इक्वल टू एम्प्टी। तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे, देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज सेट बी, सेकेंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज सेट बी। सेट बी को जब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आ गया सेट बी में, 0। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू, देयर फॉर बी इज इक्वल टू 0। बी में एक एलिमेंट आ गया है 0, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पे मिला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि बी एम्प्टी है, बी में एक एलिमेंट आया है, एक्स का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, बी में क्या लिखेंगे, 0। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे, देयरफॉर सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्लियर? दिस इज द सेकेंड सेट। लास्ट थर्ड वन इज सी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज सेट सी। सेट सी में क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा दैट इज़ द नेचुरल नंबर, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है। सॉल्व करके पहले देख लेते हैं, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयर फॉर 5x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर? देयर फॉर x इज इक्वल टू 2/5, x का वैल्यू क्या आ गया, 2/5। बट यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे सी है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे कंडीशन में क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज़ गिवन, ये कंडीशन में दिया हुआ है। बट x इज इक्वल टू 2/5, दिस इज़ नॉट नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2/5 नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर इज स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, देयर फॉर यहाँ पे क्या होगा, देयर फॉर सेट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर ये 2/5 जो x का वैल्यू आया है, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। तो मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आया है, दैट्स वाई सी इज इक्वल टू, सेट सी इज इक्वल टू एम्प्टी। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको एम्प्टी रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करेंगे, सेट सी इज इक्वल टू, सेट सी इज एन एम्प्टी सेट, देयर फॉर सेट सी इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट जो दिया था सेट, सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए सच दैट ए इज एन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, दिस इज़ गिवेन, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, सेट ए इज एन एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आया है। बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
ये सेट बी दिया हुआ है, इसे हमने सॉल्व किया x इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सेट बी के पास में एक एलिमेंट है जो कि जीरो है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे सेट बी हैज़ एन एलिमेंट जीरो, देयरफॉर सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि सेट बी के पास में एक एलिमेंट जीरो है, इसलिए सेट बी एक एम्प्टी सेट नहीं है। लास्ट वन सेट सी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो जहाँ पे x जो है एक नेचुरल नंबर भी है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 आया। 2 अपॉन 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया x, लेकिन कंडीशन में क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट 2 अपॉन 5 इज नॉट नेचुरल नंबर, देयरफॉर सेट सी के पास में कोई एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर सेट सी इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हमें उसी रीजन के साथ में बताना है कि फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है। फर्स्ट देख लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स लेस देन 10, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। इस तरीके से ए सेट एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स लेस देन 10, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या कंडीशन है, x जो है एक नेचुरल नंबर है एंड इट इज़ लेस देन 10, इस तरीके से बोला गया है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, a इज इक्वल टू लेस देन 10 होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 1। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नॉट 10। 10 हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है x इज़ लेस देन 10, x जो है 10 से छोटा है, तो इसके लिए 10 से छोटा दैट इज़ द 9। तो 1, 2, 9, इस तरीके से हमने यहाँ पे सेट ए को मेंशन कर दिया। नाउ अभी यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फाइनाइट सेट कब होता है, पहले वो कंडीशन हम देख लेते हैं कि फाइनाइट सेट कब होता है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कब होता है, कोई भी सेट्स जब हम उसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं देन इट इज़ नोन एज फाइनाइट सेट्स। अगर उसके एलिमेंट काउंटेबल हैं देन इट इज़ नोन एज फाइनाइट सेट, एंड जब सेट्स के एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते हैं देन इट इज़ नोन एज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के लिए क्या कंडीशन है, किस तरीके से हम इनफाइनाइट सेट को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर किसी भी सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये मतलब कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं देन इट इज़ नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ये इनफाइनाइट है कि फाइनाइट सेट है ए का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कम्प्लीटली हम इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, काउंटेबल है। काउंटेबल होने की वजह से दिस सेट इज फाइनाइट सेट। तो देयरफॉर ए इज एन फाइनाइट सेट, दिस इज द आंसर। क्लियर? सेकेंड, सेट बी इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू वाई लेस देन -1, एंड कंडीशन क्या मेंशन किया, वाई इज एन इंटीजर, वाई इज एन इंटीजर, दिस इज सेट बी। सेट बी इस तरीके से मेंशन किया गया है, वाई बिलोंग्स टू वाई लेस देन -1 एंड वाई इज एन इंटीजर। वाई एक इंटीजर है, इट इज़ लेस देन -1, -1 से छोटा है, मतलब -1 इस तरीके से आता है, -1 से छोटा मतलब -2, -3, -4, -5, इस तरीके से वो कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू सेट बी। सॉल्यूशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, सेट बी इज इक्वल टू यहाँ पे इस तरीके से करते हुए -5, -4, -3, -2, लेस देन -1, इसलिए यहाँ पे -1 को हम मेंशन नहीं करेंगे, -2 से स्टार्ट होके ये पीछे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हम काउंट कर सकते हैं, -5, -6, -7, 10, 100, 1000, इस तरीके से पीछे बढ़ता जाएगा माइनस टर्म में। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर? दिस इज सेट सी। सेट सी क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के क्लास 9th के बच्चे, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनफाइनाइट सेट है या फिर फाइनाइट सेट है। तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू
सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास नाइन, क्लास नाइन्थ में जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे, 50, 40, 30 जो भी स्ट्रेंथ होगा वो काउंटेबल होगा वहाँ। ऐसा नहीं कि वो इनफाइनिट, मतलब ऐसा नहीं रहेगा वहाँ पे। दिस इज काउंटेबल नंबर, ये जो है काउंटेबल है क्योंकि जो भी होंगे वो फिक्स नंबर होंगे। देयर फॉर दिस इज द फाइनाइट सेट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे आंसर में, हम लिखेंगे देयर फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन from our school is countable, number of students of class 9 from our school is countable। हमारे school के जो number of students है class 9th के वो countable हैं। That's why therefore set C is finite set, set C is a finite set, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, ये एक सेट दिया हुआ, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अभी आप बताइए विलेज के जो पर्सन है, सेट ऑफ पीपल है, उनको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है? कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ पीपल है तो उनको हम एक तरीके से काउंट कर सकते हैं, फिक्स नंबर होते हैं। गांव में जो भी रहने वाले, विलेज में रहने वाले जो पीपल हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर का क्या लिखेंगे, देयर फॉर सोल्यूशन में हम लिखेंगे द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज इज काउंटेबल, therefore it is a finite set। now question number fifth, set of apparatus in laboratory, fifth set of apparatus in laboratory, laboratory में set of apparatus जो है ये countable है या फिर non countable, तो ये कैसे हैं, countable हैं, जो भी होंगे fix 5, 10, 20, 100 जो भी होंगे वो fix number होंगे। तो इसके लिए क्या होगा, set of apparatus in laboratory, this is the countable, that's why This is a finite set। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी इज काउंटेबल, इट इज अ फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है क्योंकि काउंटेबल है, क्लियर। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन्थ, फोर्थ में सिक्स और सेवन्थ ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसे आप सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो आंसर आए वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।